देखिए, हमारे पास एक शरीर है, हम इसे खुद से अलग नहीं कर सकते, ये मौजूद है। अच्छा ये होगा कि हम इसकी सच्चाई समझें, पर अभी दुनिया में समस्या ये है कि दुनिया के कुछ धार्मिक संस्थानों ने ये रवैया अपनाया है कि इंसान का शरीर ही गलत है। इस वजह से संस्कृतियों ने इसे छिपाना शुरू कर दिया। वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छिपाया, पर अंग्रेजों के आने के बाद हम अंग्रेजों से ज्यादा दकियानूसी हो गए। पर अगर आप उस समय से पहले के मंदिर देखें तो मंदिरों के बाहर की सभी कलाएं अश्लील हैं, अगर आप अश्लील कहना चाहें तो। पर हम उन्हें अश्लील नहीं कहते, हम सिर्फ इंसानी शरीर के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे गलत नहीं मानते, हम बस इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं। अगर आप सिर्फ वहीं रहते हैं तो आप हमेशा भौतिक आयाम में रहेंगे, आप कुछ और नहीं तलाशेंगे। तो मंदिर में हमेशा ये बाहर होता है, आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज है, और जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना, पर साथ ही इसे नकारना नहीं, न इसका महिमा मंडन करना, न ही इसे नकारना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको एक तकनीकी संस्थान में जीव विज्ञान की खोज करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि आप में जीव विज्ञान नहीं है, आपकी शारीरिक जरूरतें नहीं है? आप में है, ये ठीक है, पर इसे आपका बाहरी हिस्सा होना चाहिए, न कि आपके जीवन का मूल हिस्सा, क्योंकि इससे आप में एक कमी आ जाएगी। आप एक प्राणी थे जो पूरी तरह से शारीरिक था, फिर आपका विकास हुआ और अब आप में शरीर से परे अपनी खुद की बुद्धि है। देखिए, जानवरों की बुद्धि सिर्फ उनके शरीर के लिए काम करती है। भोजन कैसे पाया जाए, अपना साथी कैसे पाया जाए, यही उनका पूरा जीवन है। अगर मानव बुद्धि भी इसी तरह काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास शरीर नहीं है, शरीर की अपनी जरूरतें हैं, जैसे कि शारीरिक भूख है, वैसे ही आत्मा है, आपको इसे किसी तरह से पूरा करना है, पर किस हद तक ये आपको चुनना है। पर निश्चित रूप से ये आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि और चेतना को मुख्य हिस्सा बनाने की विकास योजना को पीछे ले जा रहे हैं। इसके बजाय आप अपने शरीर को मुख्य हिस्सा बना रहे हैं। ये पूरी चीज और ज्यादा भद्दे से भद्दे रूप लेती जाती है, तो कुछ संस्कृतियों के अलावा बाकी हर जगह जहां हावी हो जाने वाले धार्मिक विश्वास फैलाए गए थे, उन सभी संस्कृतियों में दुर्भाग्य से वो आपको आपके ही अस्तित्व के बारे में दोषी महसूस कराते हैं, क्योंकि वैसा करने से आप हमेशा गुलाम बने रहेंगे उस चीज के जो उन्होंने रची। कोई इतनी बुनियादी चीज जैसे कि औरत के मासिक चक्र, उसे उनके बारे में दोषी महसूस करना चाहिए और वो अशुद्ध है, उसका अस्तित्व अशुद्ध है। दुर्भाग्य से मैं चाहता हूं कि आप और दुनिया के सभी शिक्षक ये समझें कि अगर आपकी माँ में मासिक चक्र नहीं होते तो आप पैदा नहीं होते, तब भी जब वो आपके पिता से मिलती। हाँ, तो जीवन बनाने की सामग्री जिसका उपयोग नहीं हुआ, यही तो है वो। और अगर वो अशुद्ध है तो आपका जन्म भी अशुद्ध है। वो वैसे भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जन्म अशुद्ध है, और इसे छुपाने के लिए बहुत सी अन्य कहानियां हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता। जब आप अपने भौतिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो आप बुनियादी रूप से कभी भी अपने जीवन के किसी आयाम को स्वीकार नहीं करेंगे, यही आपको ढक देगा हमेशा के लिए। ये एक जबरदस्त चाल है आपको हमेशा गुलाम बनाने की। अगर आप अपने अस्तित्व को लेकर दोषी महसूस करते हैं तो वो जो सृष्टि का स्रोत है उसे और ज्यादा दोषी महसूस करना चाहिए। दोष डालना और डराना ये आबादी को कंट्रोल करने के जबरदस्त तरीके रहे हैं, ये लंबे समय से सफलता से किया गया है। भारत में प्रेम और वासना के देवता कामदेव हैं। काम का अर्थ है वासना, जिसका आप सीधे सीधे सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे प्रेम बना देते हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ सुंदरता चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सुंदर स्त्री या एक सुंदर पुरुष बैठा है तो आपकी इच्छा जागती है। आपकी वासना, आपकी इच्छा कभी बाहर नहीं थी, वो सिर्फ अंदर थी। तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, इस तरह नहीं, अंदर की ओर। फिर उन्होंने इस वासना को देखा, जिसका दरअसल मतलब है कि आपके अंदर कुछ पहलू हैं जो आपको अधूरा महसूस कराते हैं। तो आप सोचते हैं कि आप किसी चीज का या किसी व्यक्ति के पीछे जाने पर ही पूरे होंगे। वासना सिर्फ विपरीत लिंग की बात नहीं है, शॉपिंग भी वासना है।
क्योंकि आपको किसी चीज के पीछे जाना होगा, तभी जीवन पूरा होगा। हर इच्छा वासना है, क्योंकि उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। मैं उसे चाहता हूं, क्योंकि जब मेरे पास वो होगा तभी ये पूरा होगा। वो कोई चीज हो सकती है, पद हो सकता है, ताकत हो सकती है, सेक्सुअलिटी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। वासना का अर्थ है कि वो आपके भीतर एक अपूर्णता की भावना और किसी चीज की चाह पैदा करती है, जिससे आपको लगता है अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अधूरे हैं। तो कई वजह हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है। कुछ के लिए वो सिर्फ सुख है, कुछ के लिए ये बंधन और साहचर्य को मजबूत करने का एक तरीका है। वरना लोग महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। वो भले ही ठीक हों, मगर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बसा होता है कि अगर वो सेक्सुअली सक्रिय नहीं हैं, तो वो वास्तव में दूर हो रहे हैं। ये सच नहीं है। आप किसी से बहुत करीब हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से जुड़े हुए हों, है ना? मगर समाज के दिमाग में ये होता है। खासकर दुनिया के इस हिस्से में लोग बड़े पैमाने पर मानते हैं कि अगर सेक्सुअलिटी नहीं है तो वास्तव में आपका रिश्ता नहीं है। वास्तव में रिश्ता शब्द, मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि यहाँ अगर आप एक रिश्ता कहते हैं तो आपसे ये समझने की उम्मीद की जाती है कि ये सेक्स आधारित रिश्ता है, बाकी कुछ रिश्ता नहीं है। अगर मेरा आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता हो सकता है और आपके शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, है ना? मैं किसी भी तरह आपके शरीर के प्रति आकर्षित ना होते हुए भी आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता रख सकता हूँ, मगर उन सभी संभावनाओं को पूरी तरह नकार दिया गया है। एक रिश्ते का मतलब है कि आपको किसी रूप में शारीरिक तौर पर शामिल होना है, पुरुष स्त्री या पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, जो भी आप चाहें। मुख्य रूप से ये शरीर पर आधारित है। किस तरह का शरीर ये व्यक्तिगत पसंद है, मगर मुख्य रूप से ये शारीरिक आधार है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के साथ हमारी पहचान, पहचान के सामान्य स्तरों के परे चली गई है। ये शरीर के साथ अत्यधिक पहचान है, इसलिए शरीर आधारित रिश्ते समाज के मूल बिंदु बन गए हैं। जो अपने भौतिक शरीर से बहुत जुड़ा है वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित है, क्योंकि यही सर्वोच्च चीज है जो वो जानता है। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जो इससे कहीं अधिक बड़ा है। एक बार आप इससे बेहतर कुछ चख लें, फिर मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा। इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ साधना के तरीके हैं जो सेक्सुअलिटी से अधिक तीव्र हैं, जो सेक्सुअलिटी से अधिक आनंदमय हैं।